आज के ही दिन हमारे देश के एक अच्छे साइंटिस्ट और एक अच्छे टीचर, एक महान टीचर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ। तुम्हें पता है उन्हें महान टीचर क्यों कहते हैं? कभी सोचा है तुमने वो महान टीचर बने कैसे? क्योंकि उनके जितने स्टूडेंट थे वो सभी महान लोग। एक टीचर जो है बिना स्टूडेंट के कभी महान नहीं बन सकता। अगर तुम्हें, अगर तुम लोगों को, तुम लोग सोच रहे होगे कि सिर्फ आज एक दिन मैं अपने टीचर की बात मान लूँ, अपने टीचर को आदर दूँ, सेवा करूँ, तो बस यही एक दिन मेरे लिए टीचर डे कहलाएगा, ये गलत है। तुम्हें हर दिन अपने टीचर की बात सुननी, हर दिन उनकी कहा, उनका कहा करना पड़ेगा। अपने टीचर का आदर देखो, एक होता है आदर करना, एक होता है सम्मान देना। लेकिन एक टीचर का सम्मान तभी होगा जब तुम उनका दिया हुआ होमवर्क या फिर जो वो कह रहे हैं, जो वो पढ़ा रहे हैं, कम से कम वो करके आओ। ठीक, तुम अगर बात करते हो क्लास में कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक, कभी मैं नहीं बोलता, ठीक, ना मैं कभी तुम्हें बोलता हूँ, टोकता हूँ इसके लिए कि बात तुम ज़्यादा कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कब बोलता हूँ? अगर तुम पढ़ के नहीं आओगे तभी तुम्हें मैं कहूँगा, वरना ऐसी कोई भी दिन नहीं होगी जिस दिन तुम लोग बात ना करो मेरे सामने, चिल्ला चिल्ली ना करो, मारपीट ना करो, मारपीट ना करो और हम चिल्ला दो, ऐसा होता है? हर दिन तुम लोग मारपीट करते हो, करते हो ना एक दूसरे में, हर दिन चिल्ला मिली करते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं, समझ में आया? बस एक टीचर यही चाहता है कि उसका स्टूडेंट महान हो। वो महान कैसे बनेगा? पढ़कर। बिना पढ़े कोई महान नहीं बन सकता। कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे उल्टा बोल रहा है। बस यही है, देखो पढ़ लिख कर ही महान बन सकते। एक अनपढ़ इंसान, देखो बाबू तुम लोग हैं, तुम लोग अभी छोटे हो, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे आसपास बगल में हो या तुम्हारे घर पर ही, तुम्हारे घर पर ही तुम अपने पिता को, अपने चाचा को, बगल में कोई भी और है उसे देख सकते हो। एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान, दोनों के रहन सहन में, दोनों के बर्ताव में, दोनों की बोल चाल में कितना अंतर होता है। एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो अपनी, अगर वो अभी पढ़ ले रहा है, वो अपनी आने वाली कई पीढ़ियों को बहुत अच्छी जिंदगी दे सकता है। और एक अनपढ़ इंसान क्या कहेगा, कोई बोल सकता है? ज्यादा से ज्यादा कोई छोटी मोटी नौकरी करेगा, ठीक, ज्यादा अनपढ़ हो हर दिन शराब पिएगा, करता है ना? लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान को ऐसा कुछ करते देखो तुम लोग, तुमने अपने आसपास ये अनुभव किया होगा। एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ पढ़े इंसान के बीच उसका परिवार किस ओर है और अनपढ़ इंसान का परिवार किस ओर है, तुमने ध्यान दिया होगा ना? इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, अगर तुम पढ़ रहे हो ये मत समझना कि तुम्हारे फायदे के लिए है, शायद ये तुम्हारा पूरा का पूरा पीढ़ी ही कहीं और ले जा सके, तुम्हारा पूरा का पूरा पीढ़ी ही कहीं और ले जा सके। एक पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ खुद की भलाई नहीं करता, वो अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने आस पास सभी जो उनके टच में रहते हैं उन सब के लिए भलाई करता है। ठीक, बनो एक पढ़ा लिखा इंसान बनने की कोशिश करना। मैं चाहता हूँ कि आज अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, तो तुम भी लोग घर में जाकर पढ़ो, तुम भी अगर पढ़ोगे, कल अगर मैं नहीं पढ़ा पाऊँ तो कौन पढ़ाएगा? तुम ही लोग ना आकर पढ़ाओगे, ठीक,
इस इंस्टीट्यूट में, कोई बाहर से तो हम टीचर लाने लाएंगे नहीं, मेरे पढ़े स्टूडेंट की पढ़ाई में, ठीक। उसके लिए तो आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा, तो कौन कब से पढ़ना शुरू करता है? कौन आज से पढ़ना शुरू करे? आज जाकर कम से कम 10 सवाल कौन बनाएगा मैथ्स का? कौन बनाएगा? हम तो कौन है? तो बोला कोई नहीं, स्टूडेंट सर। हम लोग का काम क्या है? पढ़ना। पढ़ाई कब से शुरू होगा? आज से, कल से, इसी पल से। एक महान शिक्षक तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उनके स्टूडेंट महान ना हो, वरना एक बहुत अच्छा टीचर भी खराब हो जाता है। ठीक, महान बनना है, अगर हमें महान बनाना है तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा? महान बनना पड़ेगा, मेहनत करने होगा, एक अच्छे मुकाम पर जाना होगा, और उस मुकाम पर पहुंचने के लिए क्या जरूरी है? पढ़ना। और कैसे? मेहनत करके पढ़ना। मेहनत पढ़ने में भी एक मेहनत लगता है। क्या मेहनत लगेगा बताओ? तो याद करना कोई मेहनत है? मेहनत है तो बता दो। पसुरी गाना कोई गा के सुना तुम? पसुरी गाना नसीम, 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 पसुरी, पसुरी, पसुरी। चलो बनाओ को पसुरी गाना सुना करेगा। सुमित, हाँ, सुर में आ रहे हैं। सलमान नहीं, आज हमारा मौका है, आज हम आज उसके बाद चांस नहीं देंगे। आज हमारा अधिकार है कुछ भी करवाने का। नहीं, आज हमारा दिन है। बोलो कौन गाएगा? सुमन। ये सलमान है। मेरे ढोल चुराया थी सलमान, पाकिस्तानी गाना है। कौन गाएगा? इंडिया में नहीं गाएगा। अखलावा मजबूरी नू आन जान दी बसोरी नू बसीरू। अब बताओ ये जो गाना तुम लोग गा रहे थे, सुने होगे, गाते भी होगे मन में, कभी क्या कहीं किसी कॉपी में लिखा हुआ था? नहीं। हाँ, नहीं याद कैसे रह गया? गाने से रिजन बनाया है। मजा, नहीं इसे तुम रिपीट बार 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 अपने कान में सुन रहे हो। अगर किसी भी चीज को हम एक से ज्यादा बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अगर सुन ही लेते हैं, क्या करते हैं? सुन ही लेते हैं तो हमारे जहन में, हमारे मन में रह जाए। तुम लोग को फोन तो मिलता ही होगा घर पे? यस। दिन भर यूज करता होगा? नहीं, एक घंटा से दो घंटा। कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाता होगा? नहीं। कोई फ्री फायर में अपना लेवल बढ़ाता होगा? लेवल बढ़ाता होगा नहीं। गेम उसके जगह कुछ मत करना। अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ हो ना, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, उसको रिकॉर्ड कर ले। रिकॉर्ड करके कान में रखना, सुनते रहना, गाने के तौर पर याद हो जाए, एक गाने के तौर पर उसको बीच में लगातार सुनते रहना। जैसे तुम लोगों को कोई गाना याद हो जाता है ना, वैसे ही अगर किसी भी चीज में अगर तुम प्रेम देखते हो, मजा, तो बोलते ना गाना सुनते बहुत मजा आता है, मजा आता है ना। अगर किसी भी चीज में प्रेम या मजा ढूंढने की कोशिश करोगे तो उससे प्यार होगा। पढ़ाई करना भी अगर तुम उसको सोचोगे कि ये बोरिंग है तो ये बोरिंग ही लगेगा, तुम्हारे कभी किसी काम नहीं आएगा। लास्ट में तुमको वही करना पड़ेगा, बैंक आना पड़ेगा, मिल में जाना पड़ेगा, या फिर देश से बाहर, या फिर ट्रेन से लाना पड़ेगा, मिस्त्री नियन बालू लुकाना पड़ेगा, और सब पढ़ा लिखा भी जरूरत है उसको।
अगर तुम थोड़ा भी पढ़ लोगे ना, अगर तुम थोड़ा भी पढ़ लोगे ना, शायद तुम सब कुछ कर सकते हो। एक पढ़ा लिखा इंसान के मेहनत दोनों तरीके का होता है, एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क जो होता है मेहनत, जिसको हम लोग बोलते हैं दिन हर काम किया, शरीर का हर एक हड्डी दर्द करने लगा, टूटने लगा, तब आकर घर पे आराम किया, खाकर क्या किया, क्या किया बताओ तो, सो गया, सो गया आकर सो गया। ये होता है हार्ड वर्क, ठीक। दूसरा होता है स्मार्ट वर्क, दिन भर एसी में बैठा, एसी में आराम से बैठे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा दो चार पेन चला दिए, उसके बाद चुपचाप से घर चले आए। सैलरी दोनों में सेम है, पैसा दोनों में तुमको शायद पेन वाले में ज्यादा मिल जाए। दिन भर काम करके जो आ रहा है वो 200 से 300 रुपए लेकर आएगा घर, लेकिन एक पेन चलाने वाला मिनिमम 500 रुपए घर पर लेके आए, सबसे कम कहे तो 500 रुपए। अब बताओ कौन जरूरी था, कौन अच्छा था? ये जो आदमी दिन भर मेहनत किया था वो अपना बचपन क्या पढ़कर बिताया होगा? दिन भर खेलता होगा, घूमता होगा। तुम लोग की तरह शायद अगर उसके पास भी फोन अगर उस समय होता तो दिन भर इंस्टाग्राम पे रील बनाता। रील नहीं सर, रील फ्री फायर। अगर उस समय फ्री फायर आया होता वो भी यही काम करता। तो हमको इससे सीख लेना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो पहले अपने आप में सोचना कि क्या मेरे लिए ये जरूरी है। अगर कोई भी काम, देखो कोई भी काम हम नहीं बता सकते कि वो सही है या गलत है। अगर हम किसी को बताएं, तुमको बताएं या किसी को भी बताएं, ये काम तुम्हारे लिए गलत है या सही है, तुम्हारे मन में संदेह होगा कि सर सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इसको खुद में लेकर देखना, अपने अंदर समझना कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी मैंने ये पेन उठाया और यहाँ से लिखा क्या, अभी बस मैं ये सोचूंगा कि ये मेरे किसी काम का है, ये लिखना मेरा किसी काम का हुआ नहीं। अभी अगर तुम लोग को बोलूं ये काम करो बाबू, किताब निकालो और एक पूरा का पूरा ये बोर्ड भर दो, वो जरूरी हुआ? ये दो लिखना जरूरी हो गया, वो जरूरी हो गया ना। बस यही तुम लोग को समझना है, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लिए जरूरी है। कोई भी काम करते हो ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई भी काम करते हो बस इतना सोचना कि क्या ये मेरे लिए आगे चल के कोई जरूरी काम बन सकता है, कोई जरूरी हो सकता है, इससे इसका कुछ जरूरत हो सकता है मेरे आगे। अगर मैं आज कुछ काम करता हूँ, मानो कोई भी चीज सीखने जाता हूँ, सबसे खराब चीज मानते हैं हम मिस्त्री का काम सीखने, पढ़ रहे हैं, मानते हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करने गए, काम सीखने गए। ये क्या आगे मेरा जरूरत पड़ सकता है ना? अगर मैं कुछ ना कर सकूं तो ये काम भी कर सकता हूँ, घर के लिए भी हमको कोई बुला सकता है, 300-350 रुपए देगा। लेकिन आज तुम अगर घूम चला हो, इधर उधर घूम रहे हो बाहर रोड पे, पूजा हो रहा है, बस मंडप के बाहर खड़े हो, चंदा काटने जा रहे हो, बताओ ये कोई जरूरी है आगे चल के तुम्हारे लिए कोई काम में आएगा? कोई भी काम जो तुमको फ्यूचर में फायदा कर सके। आज अगर मैं एक वर्ड पढ़ता हूँ, एक लाइन में अगर पढ़ता हूँ, शायद वो अभी पढ़ रहा हूँ ना, वो मेरे 8-9 साल बाद भी काम आ सकता है। तुम लोगों को बताते हैं ना, देखो ये जो क्वेश्चन अभी तुम लोग देख रहे हो, ये हम 5 क्लास में समझाते हैं, होते हैं ना, और तुम लोग कब का है, 8 क्लास में, यानी 3 साल बाद भी वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए जरूरी रह गया। अगर तुम लोग 5 में ठीक से पढ़ोगे तभी ना आकर 8 में पढ़ पाओगे, वरना फिर क्या करना पड़ेगा,
5 मिनट भी अगर पढ़ना पड़ेगा हो सकता है ना। इसलिए कहा जाता है कोई भी काम करो पहले जरूरी सोच लें ये क्या आगे चल के मेरे लिए जरूरी हो सकता है। अगर वो जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारा दिल बोले ना ये काम मेरे लिए जरूरी नहीं है, या फिर उस काम को करके तुमको डर लगे कि अगर किसी को मैं बता दूं तो उसको खतरा होगा, तो वो काम आज से ही करना बंद कर दो। ऐसा कोई भी काम अपने मन में सोचना कि क्या ये काम जो है मैं किसी और को बताऊं तो वो खुश होगा, या फिर ये मेरे लिए कभी जरूरी हो सकता है, कभी काम आ सकता है। अगर ये चीज अगर तुम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो ना तो एक महान स्टूडेंट बन जाओ, ठीक। और एक महान स्टूडेंट ही एक महान टीचर को जन्म देता है, ठीक। कभी भी ये मत सोचना कि हम लोग चाहे हम पढ़ा रहे हैं, सागर सर पढ़ा रहे हैं, मुकेश सर पढ़ा रहे हैं, टीचर है, तुम लोग को हम अपने बच्चों के समान मानते हैं। अगर तुम लोग को कुछ बताते हैं, कुछ समझाते हैं, हम अपने बच्चे की तरह, तुम लोग भी मेरे बच्चे, इस हिसाब से हम तुम लोग को पढ़ाते हैं। क्या एक पिता एक बच्चे को कुछ गलत पढ़ा सकता है? नहीं ना। इसीलिए तुम लोगों को हम लोग अपने बच्चे समझ कर पढ़ाते हैं। चाहते भी तुम लोग से वही है कि तुम लोग एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ो। ये नहीं कि आज एक ही दिन था पिछले दिन आज सर का बात मान लेते हैं और बाकी 364 दिन अरे सर क्या पढ़ाएंगे, थोड़ा रहने दो, पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने का जरूरत नहीं है, चलो ना खेलते हैं। क्या ये सही रहेगा तुम्हारे लिए? गलत होगा ना। अगर तुम लोग सबको गलत ही लग रहा है तो शायद ये गलत ही होगा, शायद ये गलत ही होगा, ठीक। शायद ये गलत होगा, वो गलत काम हम क्यों करें, वो गलत काम हम क्यों करें, कुछ अच्छा करते हैं। चाहता हूँ मैं कल से हम और भी बहुत अच्छे उत्साह और उमंग के साथ पढ़ें। इस महीने हमारा सिलेबस